दोस्तों, अगर आपके पास EMI की स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी है और आप अपने टीवी में अपने वन प्लस के फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो आपका वन प्लस का फ़ोन है उसका स्क्रीन आप अपने टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने वन प्लस फ़ोन के स्क्रीन को अपने टीवी के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हमें अपने टीवी से जो भी सेटअप बॉक्स का केबल या फिर वाईफाई का केबल लगा होगा उस केबल को हमें अपने टीवी से निकाल देना होगा। केबल को टीवी से निकालने के बाद हमें अपने रिमोट से होम बटन को प्रेस करना होगा। अब होम बटन को दबाने के बाद हमें यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम अपने टीवी में किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, चाहे तो हम अपने किसी भी फ़ोन का वाईफाई ऑन करेंगे, नेट कनेक्शन और हॉटस्पॉट और अपने टीवी में वाईफाई कनेक्ट करेंगे, या फिर हमारे घर या दुकान पर जो भी वाईफाई लगा होगा उस वाईफाई को हम अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब टीवी में वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में वही सेम वाईफाई जो आपने टीवी में कनेक्ट किया हुआ है वही सेम वाईफाई आपको अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर लेना होगा, यानी दोनों को टीवी को और फ़ोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अदर वायरलेस कनेक्शन, तो आपको अदर वायरलेस कनेक्शन पे क्लिक करना है। अब या तो आपके फ़ोन में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिया होगा या फिर स्मार्ट मेलरिंग का ऑप्शन दिया होगा या फिर कास्ट का ऑप्शन, तो अब मेरे फ़ोन में यहाँ स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम स्क्रीन कास्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने टीवी का रिमोट ले लेना है और उससे होम बटन को प्रेस करना है। तो हमें यहाँ से अब एक ऑप्शन ढूंढना होगा, मीरा कास्ट, तो हम मीरा कास्ट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे और अगर यहाँ से मीरा कास्ट नहीं मिलेगा तो हम प्लस वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहीं से मीरा कास्ट को हम इनेबल कर लेंगे। अब मीरा कास्ट को इनेबल करने के बाद हम सिंपल सा इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर फ़ोन के स्क्रीन पर आना है और इसको हमें स्क्रीन कास्ट को इनेबल कर लेना है। अब जैसे ही हम स्क्रीन कास्ट को इनेबल करते हैं तो यहाँ से टीवी का मॉडल नंबर हमारे सामने शो होने लगेगा, तो हम टीवी के मॉडल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम टीवी के मॉडल नंबर पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा फ़ोन होगा वो हमारे फ़ोन का स्क्रीन हमारे टीवी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्रोसेस हम अपने फ़ोन में करेंगे वो प्रोसेस हमारे टीवी में हमको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से अपनी गैलरी का फ़ोटो वीडियोज़ भी अपने टीवी में देख सकते हैं या फिर हम अपने फ़ोन से YouTube को चला सकते हैं अपने टीवी में। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने OnePlus के फ़ोन को अपने EMI TV के साथ में बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं।